તમને બહારે બોલાવે છે, લશ્કરમાંથી મોટો સાહેબ આવ્યો છે. અરે બેઠીએ સાહેબ, બેઠીએ 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 સાહેબ બેઠીએ. અમારે જો દાદા હૈ ના, ઉનકા ગાંવ મેં બહોત બડા મોભા હૈ. ના મોભા મતલબ એસે મોભા. ये काकल पाड़ेंगे ना, सब भेगे हो जाएंगे. आप उसकी चिंता मत करना, और हाँ मेरी चिंता जरा भी मत करना. मुझे हिंदी बराबर गतागम पड़ती है. आप जो ऐसे बकबक करोगे ना, मैं उनको उनको गुजराती में ऐसे समझा दूंगा. दादा दादा लगते हैं नहीं दादा जैसे. दादा राम राम साहेब. राम राम. क्यों साहब? तीन दिन से पाकिस्तानी एयरप्लेन्स हमारे एयरबेस पर गोलाबारी कर रहे हैं. एम क्यों हम आ गए दादा? पड़ी गई समझाण साहब, तब बोलो. उसमें हमारी एयर स्ट्रिप पूरी तरह से तबाह हो गई है. एयर स्ट्रिप? चाय लाओ तो साहब. मटे ये चाय का टाइम नहीं है. एस्ट्रिप यानी हवाई पट्टी, जहां हमारे प्लेन्स हवाई जहाज उतरते हैं और निकलते हैं. जब तक वो ठीक नहीं होती, ना तो हम अपना बचाव कर सकते हैं, ना ही अटैक. अटैक साहब तो ना पाड़े इसलिए चाय नहीं देवानी. जरा झपटो कर दो, चाल आव जो. मतलब हम कुछ नहीं कर सकते हैं. जल्द से जल्द अगर हवाई पट्टी ठीक नहीं हुई तो हमें शिकस्त भी मिल सकती है. जरा एलची नाक जो चामा साहेब छे. हमने फौज की दो टुकड़ियां मंगवाई है, लेकिन उन्हें आने में वक्त लगेगा, और वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं है. साहेब एम केवा मांगे छे दादा के बद्धी समझ पड़ी गई. करवानो शू छे ए क्यों साहेब? गांव वाले मदद करें तो देखिए, जितने ज्यादा लोग होंगे हवाई पट्टी उतनी ही जल्दी बनेगी. પણ દાદા આપણે ત્યાં મરદ તો બધા મજૂરી માટે પરદેશ હોય, કામમાં તો કોઈ છે જ નહીં. આપણી દીકરીઓ છે ને, શું કહો છો બધિયો? આ ખોખારીને બોલો, ખોખારીને. કેવો સાહેબ?